हे एवरी वन वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग गाइज़ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू राधे राधे आप सभी को मैं पूनम वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में सो गाइज अभी मॉर्निंग का टाइम है और हस्बैंड जी की क्लास चल रही है मॉर्निंग में आपको सभी को पता है कि हमारा जो मॉर्निंग का फिट क्लब है वो चलता है ऑनलाइन जूम कॉल पर और जिसमें कि फ़िटनेस का जो फार्मूला है वो यहाँ पे सिखाया जाता है वेट लॉस वेट गेन कैसे किया जाता है और आप अपने आप को लाइफ टाइम आ, कैसे फिट रख सकते हो तो ये सब हमारे क्लब में सिखाया जाता है तो घर बैठे ही आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे और मैं एक हाउस वाइफ हूँ आप सभी जानते हैं और साथ में वेट लॉस भी करवाती हूँ वेट गेन भी करवाती हूँ कर मैं एक हेल्थ कोच हूँ और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो झाड़ू पोझा ये सब लगा रहता है मॉर्निंग में साफ़ सफाई का तो रहता ही है ना और अभी ना मेरे बच्चे नहा धो लिए हैं दोनों और दोनों कर रही है पूजा जा तो दोनों को आ, मैंने बोला है कि सुबह सुबह पूजा करनी है हनुमान चालीसा भी पढ़ना है तो इसीलिए मेरे आ, कहने के अनुसार बच्चे एकदम आ, कहना मान जाते हैं यू नो एकदम फॉलो करते हैं मेरी बात को तो बहुत ही अच्छे मेरी बेटियां बहुत ही अच्छी हैं बहुत ही समझदार हैं और स्कूल जाने से पहले पूजा ज़रूर करती हैं इधर मेरे पति देव हैं जो कि बिल्कुल मेरा कहना नहीं मानते ये बिल्कुल अपोजिट हैं ये तो तभी उठेंगे बिस्तर से जब इनके ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं आज क्या बन रहा है हमारी किचन में तो मेरी आ, अभी ना मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे तो मैंने पराठे बना के रख दिए हैं और यहाँ पे लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ मैं पैक करने के लिए क्योंकि बच्चे सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं या शेक वगैरह पी लेते हैं और यहाँ पे जो छोले की सब्ज़ी है मैंने दोबारा से फ्राई कर ली थी तो मैं बस वही पैक कर दूँगी और फिर बनाऊँगी उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी दोपहर का और यहाँ पर सुबह सुबह ना बस नाश्ता पैक हो जाए बच्चों का तो सारी टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं और टेंशन सबसे ज़्यादा इसी बात की रहती है कि आज बच्चों को लंच टिफिन में क्या देना है आज बच्चों को लंच टिफिन में क्या दूँ तो अभी ना इतने सारे ऑप्शन नहीं होते मार्केट के अंदर तो वही तोरी लोखी यही मिलती है इस टाइम पे तो और करेला भी पता नहीं कैसा आ रहा है इस टाइम पे तो मुझे पसंद नहीं आ रहा करेला भी तो ये मैंने छोले फ्राई कर दिए थे और मैंने कल ना सब्जी बनाई थी ज़्यादा तो थोड़े छोले की तो मैंने आलू छोले बना लिए थे यानी थोड़े छोले और आलू मैंने बचा के फ्रिज में रख दिए थे और थोड़े छोले आलू मैंने सब्जी बना ली थी तो सब्ज़ी मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी तो मैंने सोचा चलो यही फ्राई करके देते हैं और मेरे पास अचार भी रखा हुआ था लेकिन अचार ना भी फिनिश हो गया है मैंने डब्बा निकाला फ्रिज से तो अचार सारा खत्म हो चुका था और इसीलिए मैं यहाँ पे सब्जी पैक करके दे रही हूँ बच्चों को इसमें थोड़ी थोड़ी प्याज डाल दूँगी और तीन तीन छोटे छोटे मैंने पराठे यहाँ पर टिफ़िन में पैक कर दिए हैं ताकि बच्चों का जो पेट है वो अच्छे से भर जाए तो दोपहर में आएँगे बच्चे उधर से और तब तक ना भूख लगने लगती है बच्चों को और बच्चों को तो यही रहता है कि उनको जल्दी जल्दी कुछ 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 ना कुछ खाने को चाहिए होता है बाकी फल वगैरह तो मैं नहीं दे रही हूँ अभी बच्चों को और अभी आम वगैरह चल रहे हैं तो आम है लाए थे हस्बैंड दो तीन किलो आम लेकर आए थे और एक हमारे फ्रेंड आए थे तो वो भी आम लेकर आए थे तो बहुत सारे आम थे तो बच्चों ने घर में ही सारे निपटा दिए इन्होंने सारे ख़त्म कर दिए क्योंकि घर में कोई फल या आम वगैरह कोई भी आके रख जाए ना तो वो रह ही नहीं सकता ज़्यादा दिन बहुत जल्दी मेरे बच्चों से फिनिश कर देते हैं खाने पीने में बहुत अच्छी है मेरी बेटी इस बात की मुझे बहुत खुशी है फाइनली लंच पैक हो गया है टिफ़िन पैक हो जाता है तो मेरी बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है और ये सारी चीज़ें मॉर्निंग की होती है ना ये हर समय टाइम से ही करनी होती है आप वे टाइम कुछ नहीं कर सकते वरना बच्चों को लेट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं बच्चों के बाल बना रही हूँ मेरी बच्ची पौनी बना के जाती है मतलब दो चोटी बना के जाती हैं और स्कूल में इनके दो चोटियाँ ही चलती हैं तो और अभी जो मेरी बड़ी बेटी है उसके भी बाल बांधने बाकी है वो भी दो चोटी बांध के जाती है और आज ना सैटरडे है और सटरडे में जो मेरी बड़ी बेटी है वो दूसरी ड्रेस पहन के जाती है और ये वाली जो बेटी है ये रेगुलर वाई ड्रेस पहन के जा रही है यानी दो ड्रेस है तो एक पीटी की अलग है और रेगुलर वाली अलग है दोनों की अलग अलग है स्कूल कांचा स्कूल है और दोनों ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हैं पढ़ने लिखने में दोनों ही काफ़ी होशियार हैं और मॉर्निंग का जो रूटीन है मेरे बच्चों का वो बहुत ज़्यादा मतलब आ, बिजी हो जाता है इनके साथ साथ मेरा भी और मेरे बच्चों का भी तो इनको नहाना धोना बोतल वगैरह भरना और पूजा करना नहा धो के लड्डू को भी भोग लगाना खुद भी नाश्ता करना तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और वैसे ही मेरा हो जाता है सुबह झाड़ू पोछा करती हूँ उसके बाद किचन में जाके इनके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ और अपना भी थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाती हूँ और यहाँ पे ये भी रेडी हो गई है कल्पना नीचे चली गई है वो इनके पापा जाते हैं ना स्कूल छोड़ने के लिए तो मॉर्निंग में तो छोड़ देते हैं और दोपहर के टाइम में इन्हें मैं स्कूल से ले आती हूँ कभी कभी मैं ले आती हूँ वरना ये खुद भी आ जाती है पाँच मिनट का रास्ता है ओनली और बच्चे जब स्कूल से चले जाते हैं उसके बाद मेरा शुरू होता है असली रूटीन घर की साफ़ सफाई का तो बच्चे चले गए हैं और अभी हस्बैंड हैं वो जाएंगे आ, नौ बजे तो वो नौ बजे जाते हैं शेक पी के नहा धो के पूजा पाठ करके वो भी नौ बजे अपने ऑफिस चले जाते हैं और तब तक मैं यहाँ पे अपना जितना भी काम है वो कर रही हूँ और जितनी भी चादर वगैरह आए हैं चादर को अच्छे से साफ़ करना क्लीन करना इनको फोल्ड करके रखना जो उड़ने वाली चादर हैं और बाहर बिस्तर करके सोते हैं तो वहाँ का भी मुझे देखना पड़ता है बाहर का जो भी बिस्तर है उसको भी मैंने अंदर ही फोल्ड करके रख दिया है और पूरे बेड की जो चादर है उसे भी मैं अच्छे से कर दूँगी क्योंकि सलबटे आ रखी हैं इसमें और सलबटे वाला जो बिस्तर है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और वैसे भी जिस घर में बच्चे होते हैं ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सामान अपनी जगह पे रखा आ, मिले आपको है ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आ, बच्चे घर में रहते हैं ना तो सामान उलट पुलट करते ही रहते हैं इधर का सामान उधर उधर का सामान इधर सारा कुछ उल्टा पुलटा कर देते हैं तो सारा कुछ सेट करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइज़ और मेरा आधा दिन जो है ना वो ऐसे ही निकल जाता है जिस वजह से मैं भी ना बाहर थोड़ा कम ही निकल पा रही हूँ अभी कुछ दिन से बहुत ज़्यादा चल रहा है रूटीन और अभी ना लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे चार पांच दिन से लगातार बारिश हो रही है इस कदर बारिश हो रही है कि बस कुछ पूछो ही मत और कपड़े भी मैं धो नहीं पा रही हूँ अच्छे से अभी मशीन मेरी भरी पड़ी है जिस दिन थोड़ी सी धूप निकलेगी ना उस दिन सारे कपड़े मैं वॉश कर दूँगी मशीन लगा दूँगी सुबह को ही चार बजे उठ के और सारे कपड़े धुल जाएंगे तो अभी ना बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से मैं कपड़े इसलिए नहीं धो रही हूँ क्योंकि स्मेल वगैरह आने लगती है बारिश में अच्छे से सूखते भी नहीं है कपड़े और और अभी मैं आ गई हूँ किचन में पूरे कमरे की मैंने अच्छे से सफाई कर दी है सेट कर दिया है पूरा कमरा और अब किचन में आ गई हूँ तो मैं दही लेकर आई थी रात और आज मैं बना रही हूँ कड़ी क्योंकि ठंडा मौसम है बारिश का मौसम है बहुत अच्छा लग रहा है बाहर और वैसे भी बारिश के मौसम में कड़ी चावल उड़द चावल ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं हमारी तरफ़ बहुत ज़्यादा बनती हैं छोले पूड़ी चावल तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं बारिश के मौसम में स्पेशली और ज़्यादातर जो चाय के शौकीन होते हैं चाय पकौड़े के तो वो चाय पकौड़े बना के खाते हैं उन्हें चाय पकौड़े अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे घर में चाय बनती नहीं है आप सभी को पता है और कभी कभार अगर बनती भी है ना तो कॉफ़ी ही बनती है और साथ में पकौड़ी और पकौड़ी भी बहुत कम बनती है इतनी ज़्यादा नहीं बनती है कभी कभी बनती है तो अभी काफ़ी टाइम से मैंने पकौड़ी बनाई नहीं है बस कड़ी बनाती हूँ ना तभी थोड़ी बहुत पकौड़ी बना देती हूँ अदरवाइज नहीं बनती है तो यहाँ पर मैंने कड़ी को अच्छे से तड़का लगा दिया है और तड़का लगाया है मैंने यहाँ पर मेथी प्याज से और सूखी मिर्ची से साथ में जीरा और दही में ही मैंने बेसन मिला लिया था और इसी में मैंने दही और बेसन दोनों एक साथ मिक्स करके और अच्छे से इन्हें मैश कर लिया था दोनों को तो मैं ऐसे ही करती हूँ मैं बेसन अलग नहीं घोलती हूँ दही के अंदर डाल के ही बेसन को और तभी घोलती हूँ मेरी सास बनाती थी ना कड़ी तो वो मिर्च मसाले भी दही के अंदर ही घोल लिया करती थी और बस तड़का लगा देती थी और बस बन के कड़ी तैयार हो जाती थी उसमें कभी कभी आलू डालती थी कभी उड़द डालती थी लेकिन वो पकौड़ी बहुत कम बनाती थी लेकिन मुझे ना पकौड़े वाली कड़ी बहुत पसंद है साथ में अगर प्याज पनीर वाले पकौड़े हो जाए ना कड़ी के अंदर तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा पनीर के पकौड़े कड़ी के अंदर मज़ा आ जाता है गाइस और यहाँ पे मेरी कड़ी बनना स्टार्ट हो गई है तो कड़ी को ना लगातार चलाते रहना होता है क्योंकि नहीं तो जो दही है ना वो फट जाता है अगर आप चलाएंगे नहीं तो वो फट जाता है और काफ़ी अच्छे से मैं इसको चलाती रहूंगी मसाले एकदम इक्वल डाले हैं मैंने जितने मुझे ज़रूरत होती है मिर्च मसाले मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ आपने देखा होगा हमेशा सारे ब्लॉग में कि मैं बहुत लाइट मसाले खाती हूँ ज़्यादातर मिर्च मसाले की बात आती है तो जिसमें कि गरम मसाला होता है वो भी बहुत कम ही खाते हैं हम लोग तो अभी गर्मी के टाइम में ना अदरक और गरम मसाला बहुत ही कम यूज़ होता है और लहसुन तो ये सारी चीज़ें ना मैं सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करती हूँ और गर्मी के टाइम में मैं ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ करती भी हूँ तो बहुत नाक के बराबर डालती हूँ इससे ज़्यादा नहीं तो यहाँ पे इधर कढ़ी भी चला रही हूँ साथ, साथ में तो उधर मैं पकौड़ी के लिए बेसन थोड़ा सा घोल ले रही हूँ और जब बेसन घुल जाएगा तो छोटे छोड़ छोटे पकौड़े बना के भी मैं इसमें डाल दूँगी तो आज पकौड़े बहुत सारे बनाने हैं मुझे तो इसलिए मैंने बेसन को भी अच्छे से घोल लिया है और इसमें थोड़ी सी प्याज भी डालूँगी मैं और पनीर मन तो है मेरा पनीर डालने का पनीर तो वैसे मेरे पास रखा हुआ है लेकिन मैं प्याज के पकौड़े डालूँगी आज और पनीर के पकौड़े थोड़ी सी अलग बनाऊँगी खाने के लिए और आप तो देख ही रहे होंगे हम हाउस वाइफ का ना सबसे ज़्यादा जो समय है वो ज़्यादातर किचन में ही निकल जाता है अब हमारे लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है गाइस अपने लिए तो बहुत ही कम टाइम मिल पाता है तो बस पूरे परिवार के लिए हम लोग ना बिना किसी लालच के काम करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं ना तो हाउसवाइफ़ से ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि और कोई मतलब मैटर करता है और हाउस वाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है 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 हमारे लिए स्पेशली घर घर को संभालना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। जो लेडीज़ जॉब करती करती हैं हैं बाहर तो वो कह देती है कि वाइफ है, वाइफ है करती ही क्या है, बस का खाना बनाना बर्तन धोना यही काम तो होता है नहीं गाइज़ यही काम नहीं होता बहुत सारे काम होते हैं फैमिली को संभालना एक साथ रखना और घर में एक एक चीज़ को समझ सकते हैं कि हम हाउस वाइफ को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है स्पेशली जॉब वाली महिलाओं से ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और उतना ही हम लोग एक्टिव भी होते हैं है ना और सच बताऊँ ना मैं अपने बारे में तो मुझे ऐसी लेडीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं जो कि आलसी हैं काम नहीं करती हैं पड़ी रहती हैं बस खाना बनाया खा लिया और सो गए है ना तो मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है मैं मुझे जैसी मैं फुर्तीली हूँ मुझे ऐसी ही लेडीज़ ज़्यादा पसंद है एकदम फुर्तीली और फटाफट काम करने वाली बस फटा फटाफट काम करो और फिर आराम करो है ना तो यहाँ पर मैंने छोले की सब्ज़ी बना दी है थोड़े फ्रिज में रखे हुए थे मेरे पास तो गाइज़ आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने आप पर अप्लाई ज़रूर करिएगा हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपका आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दूंगी ओके okay? तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए खुश रहिए मस्त रहिए ऐसे ही हेल्दी रहिए और ऐसे ही मेरे ब्लॉग पर अपना प्यार बनाए रखिएगा गाइज तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग नए आते हो ना मेरे ब्लॉग में तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे ब्लॉग को तो ठीक है मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय